तो मैं आ गया हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल मैंने ब्लॉगिंग थोड़ी बंद की हुई है, बिकॉज़ काम का थोड़ा बर्डन था, और इसके अलावा आपको पता ही है कि यार घूमना फिरना कम किया हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लॉग बनाऊं और थोड़ा सा आपको ट्रैवलिंग दिखाऊं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक कर दिया करो। और मैं भी आ गया हूँ एक और वीडियो लेके कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिनों दिनों में तरक्की ना पाते हैं और अमीर बन जाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और एकदम से वो कुछ ही सालों में बिल्कुल नीचे को चले जाते हैं और सारा पैसा वो गंवा बैठते हैं अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। तो ऐसी ही एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और अभी ये मेरा माइक सेट नहीं हो रहा तो मैं उसको सेट कर रहा हूँ। तो अगर तो आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और सजेस्ट किया करो कि मैं न्यू कैसी कैसी और रिएक्शन वीडियोस बनाऊं। और चले टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज की एक बंदा जो अमीर हुआ और कैसे एकदम से अपनी एक ही छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से गरीब हो गया। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। ये हैं 30 साल सैम बैंक्समैन फ्रीड, जिन्होंने सिर्फ 8 सालों में अपने आप को जीरो से उठाकर 2600 करोड़ डॉलर्स का मालिक बना दिया। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट ने रातों रात इनकी पूरी एम्पायर को मलियामेट कर दिया। फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ इनको दुनिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जाने लगा, क्योंकि आखिरकार इतनी छोटी एज में इतनी ज्यादा दौलत बनाना, वो भी सिर्फ 8 सालों में, वाकई एक हैरान करने वाला काम है। अगर हमें कहा जाए कि इतनी ज्यादा दौलत रखने वाला शख्स रातों रात दुनिया का गरीब तरीन इंसान बन गया है, तो इस बात पर यकीन लाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। के केस में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, पर सवाल है कि आखिर कैसे सैम बैंक्समैन ने इतनी दौलत इतना जल्दी कैसे बनाई, और सिर्फ एक ट्वीट ने इसको सोचने वाली बात है कैसे में कैसे धकेल दिया। जेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। हाँ जी नाज़रीन, ये कहानी चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इसके मेन पार्ट्स आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस वाकये की शुरुआत 2014 में होती है, जब सैम बैंक्समैन फ्रीड ने MIT से ग्रेजुएशन की और जेन स्ट्रीट कैपिटल नामी एक ट्रेडिंग फर्म में जॉब करने लगे। यहाँ उनको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया आया, जिसके जरिए वो बे इंतहा पैसा बना सकते थे। सैम ने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल तलाश किया, जिसके जरिए वो अमेरिका से बिटकॉइन खरीद कर जैपनीज मार्केट में महंगे दामों सेल करते थे। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल था कि वो एक एक दिन में 25 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस भी कर लेते थे। यहाँ से कमाए हुए पैसे से अलामीटा रिसर्च के नाम से एक क्रिप्टो फर्म खोली। इस फर्म में उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स और एक्स कोलीग्स को रखा, जो सैम के साथ जेन स्ट्रीट कैपिटल में काम करते थे। जेन स्ट्रीट कैपिटल पे सैम की मुलाकात एक और किरदार से भी हुई थी, जो आगे चल के सैम की तबाही का जरिया बनेगी। इसका नाम था कैरोलाइन एलिसन, जो सैम की एक्स कुलीग के साथ साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कैरोलाइन गर्लफ्रेंड कैरियर के लिए बहुत परेशान रहती थी, तो सैम ने उसको अपनी नई कंपनी अलामीडा रिसर्च का CEO बना दिया, जबकि उसको इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि अलामीडा रिसर्च का आखिर काम क्या था। अगर सिंपल अल्फाज में बयान किया जाए तो ये अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाते थे। मुख्तलिफ इन्वेस्टर से पैसे लेकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते और बदले में उनको सालाना 15% प्रॉफिट की गारंटी भी देते थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सिर्फ एक चीज काफी एबनॉर्मल थी, और वो था अलामीडा चलाने वालों का एक्सपीरियंस। जी हाँ, अलामीडा पर लोगों का जितना ट्रस्ट बन चुका था, वो सैम और उसके कोलीग्स के एक्सपीरियंस से काफी बढ़कर था। आखिरकार इन 10 लोगों के ग्रुप ने अपनी मिड 20s में ही लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स को दाव पर लगा रखा था। सैम बैंक्समैन को आगे बढ़ने की इतनी जुस्तजू थी कि उसने 2019 में अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर डाली। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चलें कि क्रिप्टो एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त होती है। अभी तक क्रिप्टो की दुनिया में हजारों करेंसीज और टोकन्स मौजूद हैं,
जिनको सेल या परचेज इन एक्सचेंजेस पर ही किया जाता है। एलामिडा की इन्वेस्टमेंट भी क्रिप्टो एसेट्स में ही होती थी, जिसके लिए उनको दूसरी एक्सचेंजेस पे ट्रेड करनी पड़ती थी। अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए सैम ने FTX के नाम से अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च की और इसी के साथ अपनी खुद की FTT के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी। याद रहे कि FTX एक्सचेंज का नाम है और FTT एक करेंसी का। अब क्योंकि लोग ऑलरेडी सैम पर और इसकी काबिलियत पर इतना भरोसा करते थे और सैम की अपनी ही कंपनी एलामिडा रिसर्च के भी काफ़ी मोटे और तगड़े इन्वेस्टर्स थे, इसी वजह से देखते ही देखते FTX पर 10 लाख लोगों ने भरोसा करके अपने पैसे FTX के अकाउंट्स में रखवाए और वहां ट्रेड करना शुरू कर दिया। किसी भी एक्सचेंज का फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी ट्रेड्स होंगी उसका एक छोटा सा परसेंटेज एक्सचेंज को जाता है। मान लें कि अगर आपने $10 की कोई ट्रेड की, कोई करेंसी खरीदी, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा करीब $0.02 एक्सचेंज की फीस में चला जाता है। सुनने और देखने में ये बहुत कम लगता है, लेकिन जब एक्सचेंज पे रोज़ाना $100 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड्स हों तो एक्सचेंज की अच्छी खासी फीस बन जाती है। अब सैम ने इसके बाद जो स्टेप उठाया वो इसकी लालच थी और वही इसकी तबाही का बायस बना। सैम ने एक्सचेंज के यूज़र्स को ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। जो लोग भी अपने पैसे डॉलर्स में नहीं बल्कि FTT करेंसी में रखेंगे उन पर ट्रेडिंग फीस या तो माफ़ हो जाती थी या फिर बहुत ही कम हो जाती थी। अब FTT की खुद की तो कोई वैल्यू थी नहीं, लेकिन ये डिस्काउंट पाने के लिए लोगों ने FTT खरीदना शुरू किया और ऐसे FTT की कीमत बढ़ती चली गई। इस चीज़ से यूज़र्स ने तो फ़ायदा उठाया ही, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा आखिरकार FTX के CEO सैम बैंक्समैन को ही हुआ, क्योंकि जिस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं थी वो अब $80 की सेल होने लगी। ये FTX और सैम के लिए एक गोल्डन पीरियड था। हर जगह FTX के चर्चे थे, मर्सिडीज़ F1 टीम ने FTX को अपना एडवर्टाइजिंग पार्टनर बना लिया, UC बर्कले स्टेडियम्स के नाम FTX पर रख दिए गए और मियामी में NBA स्टेडियम को भी FTX का नाम दे दिया गया। इसके साथ साथ सैम बैंक्समैन को कामयाब और अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार किया जाने लगा। इन शॉर्ट, क्रिप्टो की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स FTX और FTT का दीवाना हो चुका था। लेकिन ये खुशियाँ सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जितने भी लोग अपने पैसे अपनी जमा पूंजी एक्सचेंज पर रखवा कर वहाँ ट्रेड करते हैं उनके पैसे वहाँ पड़े होने चाहिए, यानी वो जब भी अपना पैसा विथड्रॉ यानी एक्सचेंज से बाहर निकालना चाहें तो वो बआसानी निकाल सकें। इसी भरोसे पर लोग एक्सचेंजेस पे अपना पैसा रखवाते हैं। लेकिन हकीकत में होता यूं है कि नॉर्मल हालात में एक साथ इतने सारे यूज़र्स अपना पैसा नहीं निकल पाते, या तो मार्केट क्रैश हो रही हो या फिर इन्फ्लेशन की सूरत में लोग अपने पैसे विथड्रॉ कर लेते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर सैम ने लोगों का रखवाया हुआ पैसा मुख्तलिफ कॉइन्स में इन्वेस्ट करना और उड़ाना शुरू कर दिया, और ये काम बहुत ही राजदारी के साथ किया जाता था। हत्ता के FTX और एलामिडा के एम्प्लॉयज़ को भी इसकी भनक नहीं पड़ी, क्योंकि सैम को ख़तरा था कि उसकी ये इलीगल हरकत कहीं लीक ना हो जाए। सैम का ख्याल था कि वो कस्टमर फंड के पैसे से ट्रेड करेगा और प्रॉफिट कमा के कस्टमर फंड के पैसे वापस FTX में भेज देगा, पर सैम की किस्मत का साथ शायद अब यहीं तक था। इसी दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने एसेट्स लिक्विडेट करना शुरू कर दिए, और इन सब में भला क्रिप्टो मार्केट कैसे पीछे रहती। लोगों का रखवाया हुआ पैसा सैम और उसके पार्टनर्स ने जहां जहां भी लगाया था वो बुरी तरह से डूब गया, और इससे भी बुरी खबर ये थी कि ये खबर न्यूज़ एजेंसीज तक लीक हो गई। सैम बैंक्समैन फ्रीड की गर्लफ्रेंड और एलामिडा रिसर्च की CEO कैरोलाइन एलिसन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को वीडियो कॉल के दौरान गलती से ये कह डाला कि FTX ने कस्टमर फंड्स के पैसे एलामिडा को ट्रांसफ़र किए हैं। कस्टमर फंड्स का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये पैसे तो FTX के कस्टमर्स के थे, जिनको इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा क्राइम है।
सैम ने इस मामले पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की और कहा कि सबके पैसे सही सलामत मौजूद हैं, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इस सारे मामले को एक शख्स चुपचाप देख रहा था जिसका इस पूरी कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और वो था CZ यानी चेंग पेंग जाओ, जो कि बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज का CEO है। जी हाँ, FTX का राइवल और सैम का दोस्त। जब सैम FTX एक्सचेंज लॉन्च कर रहा था तो CZ ने इसमें अपने $500 मिलियन का शेयर डाला था। FTX जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो सैम ने CZ को $2 बिलियन देकर उसका शेयर वापस खरीद लिया, लेकिन ये $2 बिलियन US डॉलर्स में नहीं बल्कि FTT करेंसी में दिए गए, जो कि FTX की अपनी करेंसी थी। CZ ने ये FTT तब से संभाल कर रखे थे, इनको सेल नहीं किया था। सैम को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो CZ को FTT करेंसी नहीं बल्कि एक बॉम्ब दे रहा है। CZ के पास इतने ज़्यादा FTTs थे कि वो किसी भी वक्त उनको एक साथ सेल करके सैम और उसकी पूरी एम्पायर को उल्टा सकता था, क्योंकि इस किस्म की करेंसी की वैल्यू तो ज़्यादा हो सकती है लेकिन इसके ख़रीदार ज़्यादा नहीं होते। पर CZ ने ऐसा नहीं किया क्योंकि शायद वो इतने सालों से सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। जब न्यूज़ में ये सारा मामला गर्म था तो 6 नवंबर 2022 को CZ ने सिर्फ एक ट्वीट किया जो सैम की पूरी एम्पायर को हिलाने नहीं बल्कि गिराने वाला था। CZ ने पब्लिक ट्वीट में बोला कि FTX में करप्शन की खबरों पर हमने अपने FTT टोकन्स को बेचने का फैसला किया है। अभी तक CZ ने अपने FTT बेचे नहीं थे, पर इस ट्वीट ने ही पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड के रोंगटे खड़े कर दिए। जिनके पास FTT थे उन्होंने उसको धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया और FTX के कस्टमर्स ने अपने पैसे एक्सचेंज से विथड्रॉ करना शुरू कर दिए, लेकिन पैसे विथड्रॉ तो तब होंगे जब पैसे वहां मौजूद हों। सैम अब बुरी तरह से फंस चुका था, उसके पास CZ के कदमों में गिरने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सैम और CZ के दरमियान कुछ बातें हुई और ये तय पाया कि बाइनेंस अब FTX को खरीद रहा है, वो भी कोड़ियों के भाव। लेकिन 2 दिनों के बाद CZ ने यू टर्न मारा और ट्वीट करके FTX को खरीदने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि CZ ने जितना सोचा था सैम उससे कहीं ज्यादा काम खराब कर चुका था। FTX को लोगों के $10 बिलियन वापस देने थे, लेकिन उनके पास असल में सिर्फ $900 मिलियन ही पड़े थे। यानी सैम ने कस्टमर्स के 90% पैसों को निकाल कर उनको कहीं और इन्वेस्ट किया जहां उसको भारी नुकसान हो गया। बस फिर क्या था, जो 2 दिन पहले $26 बिलियन का मालिक था, सिर्फ 2 ट्वीट्स ने उसको $8 बिलियन का मकरूज बना दिया। 11th नवंबर 2022 को सैम ने ट्वीट करके अपनी हार तस्लीम की और कहा कि FTX और Alameda बैंकरप्ट हो चुकी है। इस कहानी ने हम सबको ये सिखाया है कि जितनी चादर है सिर्फ उतने ही पांव फैलाने चाहिए। बिल्कुल, और लालच नहीं करना। पैसे पे बगैर बताए बिजनेस या ट्रेड्स करना अच्छे अच्छों को बर्बाद कर सकता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जेम टीवी को जाके, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से अमानत में खयानत की, एक तरह से अमानत में खयानत की और उसको पूरा तरीके से उसका सिला भी मिला। इनफैक्ट 8 बिलियन का वो मकरूज हो गया बंदा, जिसके पास 26 बिलियन के असासे और प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और दुनिया में वो अमीर तरीन लोगों में भी शामिल होने लग गया, जैसे कि इन्होंने बताया। और सिर्फ जब CZ ने देखा कि वो बिल्कुल मकरूज हो चुका है, बिल्कुल इसका फ़ायदा नहीं है, कुड़ियों के भाव भी ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है, उल्टा वो डूब जाएंगे, तो उन्होंने यू टर्न मारा और उसको ख़रीदने से भी इनकार कर दिया। तो बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटा सा भी काम कर रहे हो ना, छोटा सा भी कोई काम कर रहे हो, तो उसे ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करो, अल्लाह पाक उसमें बरकत डालेगा।
और ज़रूर आपको उसमें कामयाब करेगा, ना कि आप इस तरह से किसी के पैसों पे आप झूठ बोल के, फ्रेब बोल के हेड भी करो, उड़ो उनको उड़ा दो। उसने लगभग 26 बिलियन इन्वेस्ट कहीं और कर रखे थे, और वहाँ से इनफैक्ट 8 बिलियन, नहीं सॉरी सॉरी नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे गलत हूँ, थोड़ा सा हिसाब में गड़बड़ हो गई। लगभग उसने 26 बिलियन ही कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए थे, और जब उसको वापस देने की बारी आई तो जो वहाँ से निकाले गए 22 बिलियन निकाल लिए थे उन्होंने, और 8 बिलियन उनके पास नहीं थे लोगों को देने के लिए। उनका उसको वहाँ से लॉस हो चुका था और वो बिल्कुल बैंक करप्ट हो चुके थे, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे देने के लिए। और वही लालच, एक बुरी लालच बुरी बला है, तो उन्होंने लालच किया और बना बनाया 8 सालों में एम्पायर उन्होंने डबो के रख दिया। तो बिल्कुल से हमने बहुत कुछ सीखा, और गाइस आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच कीजिए और लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना, और बाय बाय, टाटा।